भूषण मांगांगमेव मुकुलाभरणं तमाहे भद्रवासनमितानि गता गतानि मालादृशो मधुकरीव चमकरालय कन्यकाया दर्दी शक्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनाय पुष्कै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय नमोस्तु नाली कनिभाननाय। वागड़वासी गोफन टीवी के सभी दर्शकों को दीप मालिका पर्व की कोटिशः शुभकामनाएं। बंधुओं, यह पर्व सनातन धर्म संस्कृति के अनेक अवांतर कथा प्रसंगों पर आधारित है। खास करके यह पर्व महालक्ष्मी के अनुष्ठान का एक ऐसा पर्व है जिसमें संपूर्ण विश्व के लोग लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए स्थैर्य और धैर्य के लिए प्रार्थना करते हैं। मगर इस प्रसंग में आदि शंकराचार्य विरचित एक प्रसंग बड़ा मार्मिक है। जब 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लेकर के माँ से संन्यास की दीक्षा प्राप्त करके 12 वर्ष की उम्र में कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया था, विरचन किया था। वे एक कालड़ी के एक गांव में एक ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने गए थे। कालड़ी का वह घर आज भी अनेक प्रसंगों से समृद्ध युक्त है, इसलिए दीपमालिका पर्व पर कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हर कोई प्रार्थना करता है, किंतु अध्यात्म रूपी लक्ष्मी, स्थैर्य रूपी लक्ष्मी, धैर्य रूपी लक्ष्मी सबको प्राप्त हो, जीवन में सदैव गुणों की प्राप्ति हो और हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, वसुधैव कुटुम्बकम् की कामना के साथ हम दीपमालिका पर्व मनाते हैं। यह दीपावली इन्हीं गुणों से परिपूर्ण हो। सभी वागड़वासियों को एक बार पुनः प्रणाम, कोटिश अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद।